गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, शुरुआत कर रहे हैं आज क्लास 11th की। और 11th में हमेशा की तरह एक ज़बरदस्त स्टार्ट टॉपिक होगा, डायमेंशन एनालिसिस। देखिए, आज क्योंकि पहला दिन है 11th की क्लास का, तो थोड़ी बातें 2 मिनट हो जाएं। पहले यहाँ फिर सभी को बता देना चाहता हूँ कि क्लास 11th थी वो ईयर है जब आप अपने को सेव कर सकते हो, अपने को उस लेवल में ले जा सकते हो जहाँ तुमको जाना है, जहाँ तुमको जाना है। अब जाना कहाँ है ये तुम तय करके हमें बता देना, मंजिल तक पहुँचाने का काम मेरा होगा। बताना पड़ेगा तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें IIT जाना है, तुम्हें फोर्स ज्वाइन करना है, या तुम्हें किसी और सेक्टर को फॉलो करना है, तुम्हें बिजनेस में जाना है, तुम्हें बिजनेस के कोर्सेज की ओर जाना है, सब कुछ करना गुजरेगा सब कुछ यहीं से, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बढ़िया आज की चैप्टर होगा डायमेंशन एनालिसिस। और डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहले पहली हेडिंग है, एक टेबल के थ्रू आएगी पहली हेडिंग, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स। क्लास 9th में थी उज्जवल, फंडामेंटल क्वांटिटीज FQ लिख दिया मैंने उसे। जब क्वांटिटीज होंगी तो उनकी यूनिट्स भी होंगी। और आज क्लास 11th में पहुंचने का पहला दिन, डायमेंशन। तो क्या आप जानते हैं उज्जवल कितनी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल? क्लास 9th में हमें फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज से परिचय कराया गया। क्या आपको याद है कितनी होती हैं? याद ना हो तो हम बताते हैं, कुल फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं। पूरी फिजिक्स जितनी क्वांटिटीज से बनी है, पूरी फिजिक्स में जिनका बेसिक्स है वो है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 7। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसमें पहली आती है लेंथ, पहली आती है, दूसरी का नाम है मास, दूसरी का नाम है, तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका नाम है टाइम, चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट या केवल करंट, केवल, पांचवी फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर, छठवीं फंडामेंटल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सातवीं और आखिरी फंडामेंटल क्वांटिटी है मास ऑफ मैटर या मास ऑफ सब्सटेंस। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कितनी होती हैं टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में पहली का नाम क्या है? लेंथ। दूसरी मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मास ऑफ मैटर, राइट। जब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं तो हमारी फिजिक्स कहती है सभी की यूनिट्स होंगी। लेंथ की यूनिट TM के सिस्टम में सारी दुनिया को पता है मीटर लिखी जाती है। SI यूनिट लेंथ की क्या होती है? मीटर। नहीं, और दूसरी यूनिट सेंटीमीटर, फुट, मिलीमीटर, किलोमीटर, सब में मीटर ही तो लगा है पीछे, तो ये सब किसकी यूनिट्स हैं? मीटर की। लेकिन SI सिस्टम की यूनिट मीटर। मास के लिए यस किलोग्राम, पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड यूनिट फॉलो किया जाता है वो कौन है? किलोग्राम। वरना ग्राम भी हैं, मिलीग्राम भी हैं, और नीचे के ग्राम भी हैं, है तो सबके पीछे ग्राम है, लेकिन SI यूनिट क्या है? किलोग्राम। अगली यूनिट क्या है आपको पता है? टाइम। टाइम के लिए क्या लिखा जाता है पूरी दुनिया में? सारी दुनिया टाइम सेकंड में आती, तभी तो MKS होता है, MKS यही है ना। फिर करंट आती है, इलेक्ट्रिक करंट जब आती है तो करंट की पहली यूनिट की बात करते हैं तो एम्पियर होती है, सुना होगा आपने। यस सर। करंट की यूनिट एम्पियर। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। हाँ यस, स्टैंडर्ड सिस्टम में केल्विन होती है, नहीं तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रिमर, तमाम सारे स्केल्स आते हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? केल्विन। फिर कौन आता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इसको यूनिट के तौर पर बोलते हैं कैंडेला। क्या बोलते हैं?
मास ऑफ मैटर, जो मास ऑफ मैटर होता है केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, मोल होती है उसकी यूनिट। मास ऑफ मैटर के लिए क्या होता है? मोल, राइट? यस सर। आगे बढ़ो। ये सात फिजिकल क्वांटिटीज थी और इन सात फिजिकल क्वांटिटीज, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया। ये हमारी पूरी फिजिक्स में, सोचो फिजिक्स कहाँ तक जा चुकी है। फिजिक्स के बलबूते पर लोग मिशन मून कराए, मिशन मार्स कराए, समझ रहे हैं? ये किसकी देन थी? मिशन मार्स किसकी देन थी? फिजिक्स की देन थी। और सोचो उसमें कितनी टेक्नोलॉजी, कितना साइंस, कितने फार्मूले, कितनी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स लगी होगी वहाँ तक जाने के लिए। आसान एक्सपेरिमेंट नहीं था, लेकिन उन कॉम्प्लिकेटेड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे जानते हो क्या था? यही सात चीज़ें हैं। अब तक हमने खुद जितनी फिजिक्स पढ़ी, लिखी, पढ़ाई, जानी है, उस पूरी फिजिक्स में इन सात चीज़ों के अलावा आठवीं चीज़ आई ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं, तो आएगी कहाँ से? तो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज, सात फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद हो गई उज्ज्वल? यस। अगली कहानी क्या होगी? उनकी डायमेंशन, उनके डायमेंशन, जो लेंथ है उसकी डायमेंशन होती है, लेंथ, लेंथ है ना, लेंथ की डायमेंशन एल, लेंथ का पहला अक्षर एल। नई चीज, ये क्लास नाइन्थ में था दोनों स्टेप, क्लास इलेवेंथ में आके क्या मिल रहा है? डायमेंशन। जब लेंथ की डायमेंशन लिखनी होगी तो क्या लिखी जाएगी? मास की डायमेंशन क्या लिखी जाएगी? कैपिटल एम बड़े वाले ब्रैकेट में। टाइम की डायमेंशन, आप बिना ब्रैकेट के डायमेंशन नहीं लिखी जाती है, नहीं, टाइम का टी। इलेक्ट्रिक करंट की दो डायमेंशन कभी कभी लिखने को मिलती हैं, एक कैपिटल ए या तो कभी कभी आई भी लिख देते हैं, करंट को आई से रिप्रेजेंट भी करते हैं ना। दोनों डायमेंशन यूज में आती हैं, लेकिन ए ज़्यादा यूज में रहती है। टेम्परेचर, अब तुम टाइम की डायमेंशन टी लिख चुके हो और टेम्परेचर की भी टी लिख दोगे, गलत हो जाएगा। इसे, इसकी दो डायमेंशन लिखी जाती है, इसकी यूनिट का वर्ड ले आते हैं, के लिखते हैं, या कभी कभी ज़्यादातर 90% टाइम थीटा लिखते हैं। तो टेम्परेचर की डायमेंशन क्या लिखेंगे? के या थीटा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला होता है ना ये, तो बड़ा सी छोटा सा डी, कैंडेला। मास ऑफ मैटर होता है उज्ज्वल, मास ऑफ मैटर केमिस्ट्री में मोल यूज होता है, और फिजिक्स में जब इसकी डायमेंशन लिखी जाएगी तो केवल एम ओ एल। देखिए, जब आप यूनिट लिखेंगे तो एम ओ एल ई, और जब डायमेंशन लिखेंगे तो एम ओ एल। ये दो डायमेंशन आपको पूरी ज़िंदगी में शायद ही कहीं टकराएं, पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे, ये दो डायमेंशन कहीं नहीं मिलेंगे, हाँ कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पाँचों रोज मिलेंगी, कॉमन चीज़ें ना। तो उम्मीद करता हूँ सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स और उनकी क्या डायमेंशन होती है पर्टिकुलर, ये याद कर लिया होगा आपने। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? सीक्वेंस से याद हैं आपको? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेंपरेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मास ऑफ मैटर। सबकी यूनिट भी अपने आप हो जाएंगे, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, ये लिखा हो टेबल तो ये बन जाएगा। आप इसके बाद चढ़ते हो तो सबकी डायमेंशन क्लियर है, लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, करंट के लिए ए कैपिटल और आई कैपिटल, हाँ दोनों यूज में आता है, एक भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। के या तो थीटा, वो सी डी, और ये मोल तो वैसे ही है, ये याद हो गया। अब देखो, ये बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है, हर चीज़ एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो जाएगी, हर चीज़ अच्छे से समझ आएगी, यहाँ तक कि कोई परेशानी तो नहीं है उज्ज्वल? बिल्कुल। हर वीडियो, हर क्लास का वीडियो बैकअप आपके पास होगा, जब भी आपको कभी लगे कि यार आज ये मामला थोड़ा मिस कर रहा है। और देखिए, टेंथ में ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने कम पढ़ा, हमने कम एक्सेप्ट कर लिया, हमने भी कम पढ़ाया, वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इलेवेंथ में ना कोई कम करेगा, ना हम कम करेंगे, ना तुम्हें कम होने देंगे। देखो मैं खुलेआम कह रहा हूँ, तुमने कम पढ़ा हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने कम पढ़ाया वो भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमको सही बात टेंथ समझ नहीं आता है मैं क्या पढ़ाऊँ, ठीक है। लेकिन ये हमारा सेक्टर है जिसको मैं पिछले 20 साल से जी रहा हूँ, तो इसमें तुम्हें कुछ कम नहीं मिलेगा, तुम्हें जितना पढ़ना है उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा।
तो मैटर ये है कि अब वो जो पुरानी आदतें थी, अब तुम बड़े हो गए हो, 11th में आने के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़े हो गए हो तो इस बात का ख्याल रखना कि बड़े होना दिखाना पड़ेगा आपको रोज़ अपनी, हाँ अपनी ड्यूटी जितना मैं काम देता हूँ वो अगले दिन करके आना ही होगा, कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम 10th को खुद ही जानते हैं कि ठीक है चलो जो हुआ वो अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, होते होते गुजर गया, अब नहीं एक्सक्यूज होगा, यहाँ से मेरा काम है, यहाँ से मेरा काम शुरू होता है। राइट, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई उज्जवल? बढ़िया था। चलो अब हम डायमेंशन, अगली हेडिंग डालें, ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन लिखना चाहता हूं। करेक्ट, ये चार डायमेंशन सिर्फ आपको आज मेरे साथ निकाल के समझ के और उन चारों की वैल्यू को याद कर लेना है, इसके बाद पूरी जिंदगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको परेशान नहीं करेगी। उसमें सबसे पहला नाम आता है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा उज्जवल, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या फॉर्म होता है? यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हमेशा मीटर में मेजर करते हैं, और जो चीज़ मीटर में मेजर की जाती है उसकी डायमेंशन टाइम, सारी दुनिया सेकंड में मेजर करती है लेकिन टाइम के लिए डायमेंशन, ये भी बड़े ब्रैकेट में और ये भी बड़े ब्रैकेट में, नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो -1, नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो -1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? LT-1। राइट, याद भी हो गई, निकालना भी समझ में आ गया होगा। दूसरी डायमेंशन आप मेरे लिए याद करेंगे एक्सेलरेशन की, याद होगा मैंने ही आपको एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, नहीं तो होता है, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जहाँ ऊपर वेलोसिटी है जिसकी डायमेंशन मैं ऊपर ही निकाल चुका हूँ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, नीचे एक और टाइम आ गया, ये टाइम उज्जवल ऊपर से नीचे जाएगा बेटा तो टी की -2 हो जाएगी क्या? ये किसकी डायमेंशन हो गई? एक्सेलरेशन की। याद हो गई कि नहीं? उसमें LT-1, इसमें LT-2। इसके बाद तीसरी डायमेंशन हम आपको याद करवाएंगे और निकाल के दिखाएंगे फोर्स की। बच्चा याद होगा आपको फोर्स की डायमेंशन, फोर्स का फार्मूला m into a होता था, F = ma, F = ma, या m मास है, a एक्सेलरेशन है, या मास की डायमेंशन आपको याद है क्या लिखी थी? मास की डायमेंशन क्या लिखी गई थी? कैपिटल m। एक्सेलरेशन के ऊपर पाया हूँ तो आज से फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी? LT-2। और तीसरी, चौथी और अंतिम डायमेंशन आज मेरे लिए याद करके घर जाएंगे आप, वर्क। वर्क के बारे में तुमने भी सुना है, हमने भी पढ़ाया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन अभी अभी ताजी ताजी ऊपर निकाल के बैठे हैं, और डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ होती है, फिर से लेंथ की डायमेंशन एल, एल इंटू एल करेंगे, एल का स्क्वायर बनेगा और टी की -2 रहेगी। बोलो ये चार डायमेंशन आज मेरे लिए याद कर रहे हो आप? वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे? LT-1। एक्सेलरेशन की क्या लिखोगे? LT-2। फोर्स की क्या लिखोगे? MLT-2। वर्क के लिए क्या लिखोगे? ML²T-2। अगर ये चार डायमेंशन आज हमारे लिए याद कर लेते हैं तो मैं डंके की चोट पर ऐलान करता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई फिजिकल वर्ड नहीं बना है जिसकी डायमेंशन तुम्हें मैं निकाल के ना दिखा पाऊँ, और आप खुद ना लिखाएं, हम तो सबको जानते हैं, तुम्हें निकालनी होगी। ठीक है, ये चार लिख के रख लीजिए और अगली कोई लिखनी नहीं है। अब बारी आती है हमारे लेक्चर की यहाँ से, जो कि स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ आपको हम आज और कल दुनिया की हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना सिखाएंगे, दुनिया की हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना सिखाएंगे। राइट, उसमें से आप उन शब्दों को बोलेंगे, हम उनकी डायमेंशन निकालेंगे। तो आप अपनी मेमोरी रिकॉल करने के लिए तैयार हो जाइए, कुछ ऐसे शब्द फिजिक्स के बोलिए जो आपने पढ़े सुने देखे जाने हो। आज मैं सबकी डायमेंशन आपके लिए निकाल के जाऊंगा और क्लास वहीं पर ख़त्म करूंगा। चलिए बोलना शुरू करिए,
इन चार के अलावा कोई फिजिकल क्वांटिटी जो दिमाग में चल रही हो, मुंह में निकल जाए, बोलना मैं सबकी डायमेंशन लिखूंगा, कुछ भी बोलो जो निकल आए, नाइन्थ में, टेंथ में, तमाम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने खुद आपको बताया है, उन डायमेंशन उन क्वांटिटीज में से किसी को भी बोलना है तुम्हें, कुछ भी बोलना है। प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, पावर फिजिकल क्वांटिटी है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, टॉर्क, ये सब क्या है हमें, तो पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज ही तो हैं। आज मैं इन सभी की डायमेंशन लिखने वाला हूँ आपके लिए। तो चलिए, इन शब्दों को आपने सुना है ना, प्रेशर सुना है आपने, तो अगर सुना है तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि प्रेशर का फार्मूला पता होना चाहिए। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स की डायमेंशन अभी अभी हमने लिखी और याद करी है, देख के बताना, एम एल टी माइनस टू याद हो गई ना। ए फॉर एरिया, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ को मीटर में नापते हो, ब्रेथ को भी मीटर में नापते हो, और जो जो चीज़ मीटर में नापी जाए सभी की डायमेंशन लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो एल इनटू एल, एल एल को काट डालो, ये वाला एल ऊपर पहुँचाओ तो माइनस वन, तो लीजिए नई डायमेंशन तैयार है आपकी, किसकी हो गई है, प्रेशर की। अब इनको लिखना नहीं है, अब इनको सिर्फ सुनना है, अब इनको बिल्कुल नहीं लिखना, कदापि नहीं लिखना, कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनको सबको निकालना सीखना है। पावर, उज्ज्वल पावर है वे शब्द सबको पता है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क डन, हाँ डब्ल्यू अपॉन टी, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू की डायमेंशन बच्चा याद किया अभी अभी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, नीचे एक ठो और टाइम, क्या टाइम बच्चा ऊपर जा रहा है, क्या कहना, पावर की भी तैयार है। हमसे आइंस्टीन ने कहा था कि अगर फिजिक्स को पढ़ना समझना जानना चाहते हो तो वर्क और मास को समझ लीजिए, वर्क की डायमेंशन जान लीजिए, सारी दुनिया आपके कब्जे में होगी। आ गई ना पावर के बाद हमने कहा डेंसिटी है ना, एक वर्ड हैं तो जाने कितने, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है सुना है मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम, हाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट नहीं होते, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन बच्चा क्या हो गई, कैपिटल एम, और वॉल्यूम की डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट सब मीटर ही हैं, एल 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 मतलब वॉल्यूम की डायमेंशन, वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई तो इसकी भी डायमेंशन फ्री में निकल आई, एरिया भी तो फिजिकल क्वांटिटी था, डायरेक्शन डायमेंशन फ्री में निकली थी। बोलो आज से डेंसिटी की डायमेंशन एक्यूरेट है, कोई परेशानी नहीं है। प्रेशर हो गया, पावर हो गया, डेंसिटी हो गया, रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, आर, कहीं पढ़ा था वी बाई आई, ए भैया वी बराबर आई आर था क्या, ओम्स लॉ, तो आर बराबर वी बाई आई, लेकिन अभी पंगा तो है कि आई जो एमपी करंट है उसको तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन तो ए लिखी जाएगी, लेकिन वोल्टेज अभी नहीं है, लेकिन वोल्टेज भी हम ही ने पढ़ाया है तो वोल्टेज की डायमेंशन क्यों ना पहले लिख लें, क्यों ना पहले वोल्टेज की डायमेंशन फॉलो करें, वोल्टेज की डेफिनेशन हम ही ने आपको पढ़ाई है, वर्क डन बाई यूनिट चार्ज मूविंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट, एक पॉइंट चार्ज को दूर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले आने में किया गया वर्क डन, वर्क डन की डायमेंशन वर्क डन है, वर्क डन अभी अभी हमने बताया है, क्यू क्यू चार्ज है, और हम ही ने पढ़ाया है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, इसमें आई करंट है और करंट फंडामेंटल में आती है, करंट फंडामेंटल में आती जिसकी डायमेंशन बच्चा ए लिखता है और आई के साथ टी मल्टीप्लाई होगा यानी टाइम है, नहीं समझे क्या, चार्ज के लिए एम्पियर इनटू टाइम, एम्पियर ए हो गया, टी फॉर टाइम हो गया, दिख रहे ना, देखिए फिर से अब पोटेंशियल की डायमेंशन बिल्ट हो गई, एम एल स्क्वायर टी की माइनस थ्री, देख पा रहे हैं, दो माइनस का है एक और जाएगा तो माइनस की थ्री, और ए भी ऊपर चढ़ के जाएगा तो किसकी डायमेंशन आ गई बाबू, वोल्टेज की, रेजिस्टेंस तो फॉर्मेलिटी है, रेजिस्टेंस की डायमेंशन पाने के लिए वोल्टेज की डायमेंशन पाना था, वोल्टेज की डायमेंशन पाए हैं वही छपवा दें,
एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन और नीचे एम्पियर करंट आई तो है ए, और ये ए ऊपर भेजा जाए तो एम एल स्क्वायर ए और ऊपर भेजें तो माइनस टू, माइनस वन है, एक और ऊपर चल गई तो कितनी हो गई, एक और ऊपर चल गई तो कितनी हो गई माइनस माइनस, हाँ माइनस वन तो पहले से है और ये ए और ऊपर जाएगा तो माइनस वन और लाएगा तो कितनी हो गई माइनस टू हो गई ना। रेजिस्टेंस की डायमेंशन, वोल्टेज की डायमेंशन, हम लोग अगर मैग्नेट पढ़े हो तो कहो तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायमेंशन आपको दे दे, हाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है वो भी चलो ले आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड था ना वर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी डायमेंशन चाहते हैं। आपको याद होगा क्लास टेंथ में हम लोग यब बराबर एक फार्मूला पढ़े थे आई बी एल, हाँ यब बराबर क्यू वी बी थे ना दो फार्मूले, यब बराबर आई बी एल भी टेंथ में पढ़ाए और क्यू वी बी भी पढ़ाए। इसमें यब फोर्स है, आई करंट है, एल लेंथ है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी की डायमेंशन निकालने चला हूँ तो एफ अपान आई एल होगा क्या, फोर्स की डायमेंशन बाबू को याद है एम एल टी माइनस टू, और आई फॉर करंट यानी एम्पियर और एल फॉर लेंथ यानी लेंथ है ना, लेंथ को लेंथ से काट डालो, लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हाजिर है एम टी माइनस टू ए माइनस वन। बोलो किसकी डायमेंशन है, मैग्नेटिक फील्ड बी, और कौन रह गया, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। चलो क्लास टेंथ का हमको याद है जब हम लोग स्पेसिफिक हीट पढ़ते थे तो क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी करते थे ना, इसमें एम मास होता था उस लिक्विड का, टी टेम्परेचर होता था, क्यू हीट होती थी, सी को स्पेसिफिक हीट कहते थे। तो अगर आज मैं सी के लिए फार्मूला बनाऊँ तो दिस इज क्यू अपान एम डेल्टा टी, बोलो एम डेल्टा टी, तो क्यू हीट है। सारी दुनिया को पता है हीट एक प्रकार की एनर्जी है और दुनिया की सारी एनर्जी वर्क डन है, दुनिया की सारी एनर्जी वर्क डन और वर्क डन की डायमेंशन अपने पास है, है क्या, यम फार मास है तो यम से यम हो गया और टी टेम्परेचर है, टी क्या था, टी टेम्परेचर था, और टेम्परेचर की डायमेंशन दो है, या तो के या तो थीटा, या तो के या तो थीटा, मोस्ट टाइम यूज होती है थीटा, तो एम को एम से खा जाया जाए, लीजिए लेटेंट हीट की डायमेंशन आपके सामने है। बताना कोई परेशानी आ रही हो तो एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू थीटा की पावर माइनस वन, नो एनी कन्फ्यूजन, किसकी डायमेंशन थी स्पेसिफिक हीट। एक और बची है लेटेंट हीट, क्यू बराबर एक फार्मूला याद होगा लेटेंट हीट के मामले में हम लोग एम एल लिखते थे, क्या लिखते थे एम, तो यहाँ क्यू हीट है, एम मास से एल लेटेंट हीट है, तो लेटेंट हीट एल की डायमेंशन क्यू बाई एम, क्यू बाई क्यू एक प्रकार की हीट है, हीट एक प्रकार की एनर्जी है, एनर्जी एक प्रकार का वर्क डन है और वर्क डन की डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, बोलो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अपान नीचे एक ठो मास है, इसको काट डालो, लेटेंट हीट, ये क्या है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को एल रिप्रेजेंट करते हैं और लेटेंट हीट की डायमेंशन आ गई एल स्क्वायर टी माइनस टू। बोले जितने सारे टर्म्स हम लोगों ने क्लास नाइन्थ और टेंथ में पढ़े थे वो सारे लगभग कवर हैं, और छोटे मोटे वाले बीच में आ गए हैं, एरिया वॉल्यूम ये सब आ गए ना बीच में, और कोई फिजिकल क्वांटिटी बचती है जिसकी डायमेंशन और लिखनी चाहिए हम लोगों को, बताना जल्दी से, किसी और फिजिकल क्वांटिटी को बचाया है जिसकी डायमेंशन हम लोगों को लिखना चाहिए था, जल्दी से बताना। सारी फिजिकल क्वांटिटी कवर होती हैं जिनके डायमेंशन लिखने हैं, और बाकी अभी तुमको मैं बुक दिखा देता हूँ कहाँ सारी लिखी हुई है, क्या तुम्हें करना है आज, ठीक है। रोज का काम डिसिप्लिन रह करके रोज करना होगा, 100% अपनी एफर्ट लगानी होगी, क्योंकि मैं 200% लगाने वाला हूँ, ये मेरा क्षेत्र शुरू हो गया है, ठीक है ना, अभी तक मैं अपने एरिया में नहीं था तुमको पढ़ाते हुए, शुरुआत की जाए आज, हो गई है समझ में सारा आया है। बहुत कठिन होता है, 11th में 95% स्टूडेंट दीवार हो जाता है, वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है, 5% बच्चों को मौका मिलता है अच्छे शिक्षकों के पास पढ़ने का, मार के पीट के धगड़ के लड़ा करके उनको पढ़ा ले जाते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं, मुझसे लिखवा के याद रख लो, चाहे 2 साल बाद में लिखवा लेना, फिक्स है, लेकिन पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो वहीं पड़े रहोगे, ठीक है। ये वीडियो आप तक पहुँच जाएगा, राइट, थोड़ी देर बाद।
ओके, नो एनी कन्फ्यूजन, आज शुरुआत हो गई है, कल हम लोग इसी को आगे रेस पकड़ाएंगे, कल से मैथ्स भी कंटिन्यूस करेंगे, फिजिक्स भी कंटिन्यूस करेंगे, केमिस्ट्री भी दो तीन दिन लगती रहेगी। हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री तीन दिन लगेगी, शेड्यूल में लगेगी क्योंकि बहुत होती है ना इलेवंथ में। ठीक है, आज समझ में आ गया, जो जो पढ़ा है क्लियर हो गया है, नो एनी कन्फ्यूजन, दैट्स ऑल, थैंक यू।